एसपी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि जब हालात हमारे विपरीत हों तथा जब मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट पड़े तब क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगा जिसे हमेशा ही आपको याद रखना है, नेवर गिव अप। कभी आपने हिम्मत नहीं हारनी, कभी आपने निराश नहीं होना। जिस समय आप अपनी हिम्मत को हार जाओगे, समझ लीजिए उस समय ही आपकी असली हार होगी। व्यक्ति हारने से हारता नहीं, पर जब हिम्मत हार जाता है तो उसकी हार होती है। सफलता आपके बहुत ही नजदीक है, सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आज कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो उसकी सफलता के पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत तथा जो नेवर गिव अप की पॉलिसी है वो अप्लाई होती है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। 7 साल की उम्र में उसकी माता की डेथ हो गई। अनाथ होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी तथा ग्रेजुएशन के बाद MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की, LLB प्राप्त की को प्राप्त किया। उस व्यक्ति का नाम था स्वेट मॉडर्न। उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुल होटल बिजनेस किया, पर हालात उसके विपरीत थे। जब अमेरिका में डिप्रेशन आया, कहां तो इतना सक्सेसफुल बिजनेस और कहां वो फेल हो जाना, उसके जो हालात थे बिल्कुल विपरीत हो गए। पर स्वेट मार्टा ने हिम्मत नहीं हारी, नेवर गिव अप, तथा सोचा कि आप लिखना चाहिए, तथा किसी पब्लिशर के पास गए सिर्फ जॉब मांगने के लिए कि भैया मुझे लिखना है, आप क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि भैया बुक लिखो, सक्सेस होती है तो रॉयल्टी मिलेगी आपको। तो लिखना स्टार्ट किया। हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीता, ऐसी गत्थी बन गई उसके पास उसकी लेखने की। जस्ट एक शाम थी, शाम में भोजन करने के लिए गए, एक मोमबत्ती पास में थी, किसी ने बाहर बुला लिया तथा वो मोमबत्ती उसके लिखे हुए दस्तावेजों के ऊपर आ गिरी। तो क्या होता है, हालात उसके विपरीत, स्वेट मार्टन के वो दस्तावेज जिसके लिए उन्होंने साल लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे कि सक्सेसफुल होना है, आग में समा गए। जस्ट हम कहते हैं उसको स्वाह हो जाना, पर स्वेट मार्टन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, दोबारा लिखना शुरू किया, शुरू से जीरो से स्टार्ट किया। और अगली बार जब उनकी किताब छपी तो वो सुपरहिट हुई, सक्सेसफुल राइटर बने। उनकी एक एक राइटिंग में आपको मोटिवेशन मिलेगा, उनकी एक एक राइटिंग में आपको यही शिक्षा मिलेगी, नेवर गिव अप। तो आप भी दोस्तों जिंदगी में कभी हारना नहीं है, जिंदगी में हिम्मत को अपने साथ रखना, इस मोटिवेशन को अपने पास रखना, हमेशा ही पॉजिटिव रहना। धन्यवाद।